Hello students, a very good morning to you all. This is Archana Bada and I hope you all are well. So we are back again with another video. In this video we are going to learn science, the things around us, from the class 3rd, chapter 1. The things around us, it means hamari aas paas ki vastuein. To aaj hum is video mein jaanenge ki hamare aas paas mein kaun si We can see many things around us, like human being, plants, vehicles, buildings, mango trees, motorcycles, scooty, buckets, and so on. Some moves on their own while others need something to move them. For example, human being can move on their own. For example, hence, it can move on their own. I hope you understood. But table and chair can move only when we can push. ठीक है, टेबल और चेयर ये तभी मूव करेंगे, ये तभी अपनी जगह से एक दूसरे जगह जाएंगे जब हम उसे क्या करेंगे, या फिर अपनी ओर खींचेंगे. सो वी कैन डिवाइड द थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स एंड सेकंड वन इज नॉन लिविंग. There are many differences between living things and non-living things. Living things can do many things, but non-living things cannot. So, let us see what are the differences between living things and non-living things. First, living things need food, but non-living things don't need to food. Living things cause जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए. जैसे मुझे और आपको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए. लेकिन दिस इज स्केल, स्केल और डस्टर, क्या इसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं. अभी आप छोटे हो, जब आप 4 क्लास में जाओगे, 5 क्लास में जाओगे, तो आप क्या करोगे? बढ़ोगे. लेकिन क्या ये स्केल और ये डस्टर ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे. जब आप बड़े भी हो जाओ ना, तब भी ये स्केल और ये डस्टर वैसे के वैसे ही रहेंगे. देन थर्ड पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं. आप, मैं, पेड़ पौधे, एनिमल्स क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं. लेकिन क्या ये स्केल, ये डस्टर, टेबल, चेयर, क्या ये ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स मूव बट नॉन लिविंग cannot move. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं. जैसे मैं और आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं. लेकिन क्या ये स्केल, ये डस्टर खुद से यहाँ से वहां जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है. Isn't it? Then next point is living things feel but non living things cannot feel. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? महसूस करते हैं. अगर मैं आपको कभी डंडा से मारूं तो आपको फील होता है ना, दर्द आपको लगता है, आपको दर्द होता है. लेकिन अगर मैं ये स्केल को अगर मारूंगी तो इसे कोई फील होगा? इसे क्या दर्द होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है. और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें क्या होता है? फील होता है. जब गर्मी का मौसम आता है तो उन्हें कैसा फील होता है? गर्म. और जब ठंडा का मौसम आता है तो उन्हें कैसा फील होता है? ठंड. द नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स
reproduce, but non-living things cannot reproduce. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. द नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ लाइफ साइकिल. जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है. अभी आप बच्चे हो, बच्चे के बाद फिर आप क्या हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, बड़े होने के बाद आप क्या हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे. तो इट इज अ क्या, ये आपका क्या है, लाइफ साइकिल है. छोटा होना, छोटे से फिर बड़े होना, फिर बड़े से क्या होना, बूढ़े होना, बुजुर्ग होना, ये आपका क्या है, लाइफ साइकिल है. तो ये किसमें होता है, लिविंग थिंग्स में. लेकिन क्या स्केल, स्केल कभी बच्चा था, क्या वो बड़ा हुआ, क्या वो कभी बूढ़ा हुआ, नहीं. क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है और इसका लाइफ साइकिल नहीं होता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स डाई बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई. यहाँ पे लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, वो लोग मर जाते हैं. मैं भी अगर बूढ़ी हो जाऊँ तो क्या हो जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, ठीक है. जैसे पेड़ पौधे, वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. इट मीन्स वो क्या है, लिविंग थिंग्स है. क्या ये स्केल और ये डस्टर कभी मरेंगे, नहीं मरेंगे. क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड ऑल्सो एंजॉय दिस टॉपिक. तो अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए.